महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी उथल पुथल जारी है। नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को संकेत दिया कि महाराष्ट्र से पहले बीजेपी और उनके भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से और अधिक लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल हो गए। इंदापुर कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पवार ने लोगों से पाटिल को राज्य विधानसभा भेजने की अपील की और एक तरह से आगामी चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी उथल पुथल जारी है। नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को संकेत दिया कि महाराष्ट्र से पहले बीजेपी और उनके भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से और अधिक लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल हो गए। इंदापुर कस्बे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पवार ने लोगों से पाटिल को राज्य विधानसभा भेजने की अपील की और एक तरह से आगामी चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है।